हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे आपसे, ये लेक्चर 13 है क्लास 12 का, चैप्टर आपका थर्ड ईयर मैथमेटिक्स है ना। और इस पर हम पिछले वाले लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 पे बात कर रहे थे ना, तो आज उसी के आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे हमारी बात हो गई थी, उसके आगे हम थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेते हैं ना, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहे हैं कि फाइंड एक्स, ये आपसे बोल रहे हैं कि फाइंड एक्स इफ y इज इक्वल 3 to 1 4 एंड 2x plus y इज इक्वल 10 माइनस 3 2, ये आपका हो गया। इसमें आपको x यानी डिटरमिनेंट x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, इसमें हमें डिटरमिनेंट x की वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। देखिए हम बेटा क्या करते हैं, जैसे अब इसमें क्या है, बाई तो है ये 2x plus y, आपका ये मैट्रिक्स इक्वेशन हो गया, तो 2x plus y ये बाई की वैल्यू हम इसमें डाल लेते हैं, तो आप हो जाएगा 2x, या हम लिखेंगे क्या 2x = 10 - 3 2 - y हो गया। अब यहाँ पर हम बाई की वैल्यू डाल देते हैं, इट मीन्स 10 - 3 2 है ना, और माइनस का हो जाएगा बाई, बाई मैट्रिक्स क्या है 3 2 3 2 1 4 हो गया। अब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर लेंगे इसमें, जैसे 1 - 3 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 - 3 0 - 2 - 3 - 1 2 - 4, इट मीन्स आ गया कि आपके पास 1 - 1 का जी 3 - 2 हो गया, ये भी -2 हो गया, ये -4 हो गया, और ये आई थिंक -2 हो गया, ये आपके पास 2x आ गया। अभी क्या चाहिए हमें, आपका x भाई ये 2x की वैल्यू आ गई आपके पास, ये क्या आ गया, ये 2x आ गया, हमें क्या चाहिए, हमें आपका x ही चाहिए, तो होगा क्या 1/2 हो जाएगा, -2 - 2 - 4 - 2, 1/2 का ईच एंड एवरी, ये कोई स्केलर है और हमने मान लिया कि इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ईच एंड एवरी एलिमेंट में होगा, इसका इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो इधर देखिए माइनस 1/2 का जब मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये हो जाएगा, फिर 1/2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये हो जाएगा, फिर 1/2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो -4 आ जाएगा, 1/2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो -2 आ जाएगा। अब एक्चुअली फिर ये आएगा क्या, ये आएगा आपके पास -1, ये भी -1 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, ये हमारे एक्स की वैल्यू, यानी कि जो मैट्रिक्स एक्स है उसकी वैल्यू आपके पास ये वाली आ जाएगी, ठीक है, साफ आ रहा है ना। अब चलिए ये हमारा 8 वाला हो गया, इसके आगे हम बात कर देते हैं आपसे, क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्योंकि 3.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन आप पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें ना, आप भी पढ़ चुके हैं इसलिए हम बात कर रहे हैं। और जैसे हम फॉर एग्जांपल हम बेटा बात कर लेते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 9 की, 9 क्या, 9 कह रहे हैं फाइंड एक्स एंड वाई। अब ये वेरिएबल है फाइंड एक्स एंड वाई, इफ क्या है जिसमें 2 1 3 0 x + y 0 1 2 = क्या 5 6 1 8 है, 5 6 1 8, ठीक। इसमें हमें क्या करना है, इसमें बेटा हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो पहले बार बेटा क्या है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई 2 का 1 में भी होगा, ये 2 हो जाएगा, उसमें होगा 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 2x हो गया, प्लस बाई 0 1 2 हो गया, इज इक्वल 5 6 1 8 हो गया। अब जरा देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम सम कर लेंगे, 2 + y हो गया, ये हो जाएगा ना, फिर 6 + 0 हो जाएगा, 0 + 1 हो जाएगा, और 2x + 2 हो जाएगा, और ये किसके इक्वल होगा, ये 5 6 1 8,
ठीक, ये इसके युक्ल हो गया। देखिए वेरिएबल वाई ये है, एक्स ये है, तो ये इसके युक्ल होगा जब हम, है ना, तो 2x plus 2 is equal 8 हो गया, 2x is equal 8 minus 2 that is हो गया 6, x की वैल्यू आ गई 6 upon 2 is equal 3 आ गया। आगे हम बात कर लेते हैं 2 plus y की वैल्यू 5 हो गई, y की वैल्यू 5 minus 2 is equal 3 हो गई, y की वैल्यू ये 3 आ गई और x की वैल्यू भी 3 आ गई। ये मेरे पास 9 क्वेश्चन नंबर 9 आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर हम 10 पे बात कर लेते हैं आपसे, क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपके बोर्ड पे देखिए। और 10th क्या है इसमें, 10th आपका ये कह रहे हैं, 10th आपसे कह रहे हैं सॉल्व द इक्वेशन फॉर x y z एंड t। क्वेश्चन नंबर जी बेटा 10 कह रहे हैं कि सॉल्व द इक्वेशन फॉर x y z एंड t इफ, और इफ है उसमें 2 x z by t plus 3 1 minus 1 0 2 is equal 3 3 5 4 6। इसमें x y z t की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x y z एंड t, यानी ये इक्वेशन को ये सॉल्व करना है और x y z t की हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए इसका मल्टीप्लाई होगा, इसमें 2x हो गया, 2z हो गया, 2y हो गया, 2t हो गया, प्लस 3 हो गया, माइनस 3 हो गया, 0 हो गया, 6 हो गया, इसका भी मल्टीप्लाई होगा 9 15, 12, 18 हो गया, ये कंडीशन आ गई। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर ले, और ये इसके साथ ऐड हो जाएगा तो आएगा क्या 2x प्लस का 3 हो गया, ये हो जाएगा 2z माइनस का 3 हो गया, 2y प्लस का 0 हो गया, 2t प्लस का 6 हो गया। ये किसके युक्ल हो गया, ये इसके युक्ल हो गया 9, 15, 12, 18। अब हम कंपेयरिंग कर लेंगे, कंपेयरिंग से आएगा क्या 2x plus 3 की वैल्यू 9 के इक्वल होगी, 2x plus 3 की वैल्यू 9 के इक्वल हो गई, 2x is equal 9 minus 3 equal to हो गया 6 और x की वैल्यू 6 upon 2 equal to 3 हो गई। ठीक आगे 2z minus 3 की वैल्यू 15 के इक्वल हो गई, 2z minus 3 की वैल्यू 15 के इक्वल हो गई, 2z equal 15 plus 3 is equal 18 हो गया, z equal 18 y 2 is equal 9 हो गया, नहीं z की वैल्यू 9 हो गई आपके पास। आगे 2y plus 0 12 के इक्वल हो गया, ये 12 के इक्वल हो गया, इट मींस 2y की वैल्यू 12 के इक्वल हो गई, इट मींस y की वैल्यू 12 by 2 is equal to 6 हो गया, है ना। और इसके बाद जो है 2t plus 6 की वैल्यू, 2t plus 6 की वैल्यू 18 के इक्वल हो गई, तो आप क्या लिखेंगे 2t plus 6 is equal 18 हो गया, less that 2t is equal 18 minus का 6 हो गया, ये 12 है। अब 2t की वैल्यू हो गई आपके पास 12, तो हमें t चाहिए, तो 12 upon 2 is equal 6 आ गया, x की 3, y की 6, z की 9 और t की 6 वैल्यू, ये आपके पास वैल्यू। क्लियर सब आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं, जैसे लिखा है इफ इफ टू इफ एक्स 2 3 प्लस बाई माइनस 1 एंड 1 इक्वल 10 5 10 5 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इसमें आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए
अब इस x का मल्टीप्लाई इसमें जब आप करेंगे तो 2x होगा, इसमें जब आप करेंगे तो 3x हो जाएगा। y का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस का y आएगा, इसमें होगा तो y आ गया, इक्वल टेन और फाइव हो गया। एक्चुअली है क्या, ये भी दो मैट्रिक्स का एडिशन ही तो है ना। तो अच्छा इसका ऑर्डर क्या है, 2 by 1, इसका भी ऑर्डर 2 by 1, दोनों के ऑर्डर सेम है तो ऐड हो जाएंगे, तो होगा क्या 2x माइनस y और नीचे हो जाएगा 3x प्लस का y, और ये आपके पास आ जाएंगे tan of 5। कन्वर्ट कर लेंगे 2x माइनस y की वैल्यू इसके ऊपर पुट हो जाएगी, 2x माइनस y की वैल्यू आपके पास हो गई tan और 3x प्लस y की वैल्यू 5 हो गई। इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन क्या है सेकंड। हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया भाई, हमने क्या किया इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर दिया, ये कैंसिल हो गया, 5x इक्वल टू आ गया 15, x की वैल्यू आ गई 3 आ गई। अब x की वैल्यू को हमने फर्स्ट या सेकंड में हम डाल देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड, अब देखिए फ्रॉम सेकंड 3 इंटू x की वैल्यू क्या, 3 प्लस y इक्वल टू 5 हो गया, इट मीन्स 9 प्लस y इज इक्वल 5 हो गया, इट मीन्स y इज इक्वल 5 माइनस 9 दैट इज माइनस का 4, ये y की वैल्यू आ गई। आगे देखिए हम क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके बोर्ड पे, और आप इसे करते रहिए, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है बट ये सब बहुत अच्छे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपसे बोल रहे हैं, ये कह रहे गिवन 3x by z w is equal x हो गया, ये हो गया 6 हो गया, माइनस 1 हो गया, 2w हो गया, प्लस 4 प्लस 4 एक्स प्लस वाई हो गया, जेड प्लस का डब्ल्यू हो गया 3 हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, इसमें भी हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए पहले हम करते क्या है, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x 3y 3z 3w हो गया, करस्पॉन्डिंग चूंकि ये भी दो मैट्रिक्स का क्या है एडिशन ही तो है, एडिशन में तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लेते हैं, x प्लस का 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया x प्लस y प्लस का हो गया 6, ये z प्लस w माइनस 1 और ये 2w प्लस का 3 हो गया, ये चीज आ गई। अब चूंकि हमें x y z की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो कंपेयरिंग कर लेंगे, 3x की कंपेयरिंग इससे हो जाएगी, यानी 3x की वैल्यू x प्लस 4 के इक्वल आ गई, 3x माइनस x इक्वल टू 4 हो गया, 2x इक्वल टू 4 हो गया और x की वैल्यू 2 आ गई। आगे देखिए, आगे देखिए 3w इसकी कंपेयरिंग इससे कर लेते हैं, तो 3w इज इक्वल हो गया 2w प्लस का 3, 3w माइनस 2w इज इक्वल 3, W इज इक्वल आ गया 3 आ गया, आगे x इक्वल टू आ गया, W मिल आ गई 3 बाय कंपेयरिंग कर लेंगे इसके इक्वल, तो अब आपके पास आ गया 3 बाय इक्वल x प्लस y प्लस का 6, y को यहाँ लिया है, 3 बाय माइनस y इज इक्वल x प्लस का 6, 2 बाय इज इक्वल x की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 प्लस का हो गया 6 दैट इज 8 हो गया, तो y की वैल्यू 8 अपॉन 2 दैट इज ये 4 हो गया, y की वैल्यू 4 हो गया, x हो गया y हो गया w, x y w ही है, z नहीं है शायद, नहीं z भी है। अब z को देख लेते हैं, इसकी कंपेयरिंग इसके साथ हम कर लेंगे, होगा क्या 3z इज इक्वल z प्लस w माइनस 1 दैट इज 3z में से z गया, 3z माइनस z इज इक्वल w माइनस 1 हो गया, 2z इज इक्वल w माइनस का 1 हो गया 2z। अब जरा देखिए W की वैल्यू क्या है 3 है, माइनस 1 दैट इज 2 आ गया, इम्प्लाइज दैट 2z इज इक्वल 2, तो z की वैल्यू 2y2 यानी 1 हो गई, ये हो गया x y z W, इसे नोट कर दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं, ये सब साफ आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी वैसे, है ना? हाँ चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, थर्टीन क्या बोल रहे हैं आपसे, थर्टीन आपसे बोल रहे हैं इफ एफ एक्स इज इक्वल कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो और जीरो जीरो वन, ये आपके पास है क्या, ये है cos fx, सो दैट fx fy fx fy इज इक्वल एफ एक्स प्लस वाई, ये हो गया fx fy इज इक्वल एफ एक्स प्लस वाई। देखिए देखिए fx की वैल्यू ये है, तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग एफ वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, अगर हम एफ वाई फाइंड आउट करना चाहें तो आएगा क्या बेटा, जहां x जो एंगल है उसकी जगह y कर देंगे हम, तो आएगा क्या cos y माइनस sin y जीरो, sin y cos y जीरो 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 वन, ये आपके पास आ गया। अब एफ एक्स भी एफ वाई भी आप करें, सो दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल एफ एक्स प्लस वाई, तो हम एल एच एस पे बात कर लेते हैं, नाउ वी टेक एल एच एस, एफ एक्स एफ वाई इक्वल कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो 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 वन, ये हो गया एफ एक्स इंटू एफ वाई भी कॉस बाई माइनस साइन बाई जीरो, साइन बाई कॉस बाई जीरो 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 वन हो जाए। अब हमें इसका दो मैट्रिक्स हैं आपके पास, थ्री बाई थ्री ऑर्डर की हैं दोनों की, दोनों मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये सो करना है कि एफ एक्स प्लस वाई करना, चलो देखते हैं आगे। देखिए आपको पता है रो वाई कॉलम होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई करके हम एडिंग कर लेते हैं, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, चूंकि प्लस आएगा जैसे आएगा तो ये ऐसे है, प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई, फिर हम करें क्या और प्लस का आपका आएगा जीरो इंटू जीरो जीरो आ गया, बट नेक्स्ट स्टेप में कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, चूंकि ये माइनस का इसलिए माइनस ही कर देंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम होगा कॉस एक्स माइनस साइन वाई, ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स कॉस वाई माइनस का साइन एक्स कॉस वाई हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दिस दिस और जीरो प्लस का जीरो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कॉस एक्स इंटू जीरो माइनस साइन एक्स इंटू जीरो जीरो और प्लस का जीरो इंटू वन, ये हो गया। अब देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम साइन एक्स इंटू कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई प्लस प्लस जीरो हो गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम साइन एक्स साइन वाई माइनस का साइन एक्स हो गया, साइन वाई हो गया, कॉस एक्स कॉस वाई हो गया और जीरो इंटू जीरो, आगे सेकेंड रो थर्ड कॉलम साइन एक्स इंटू जीरो हो जाएगा प्लस
cos x into 0 हो जाएगा प्लस 0 into 2 हो जाएगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 into cos y होगा प्लस 0 into sin y होगा प्लस 1 into 0 होगा। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू माइनस साइन वाई होगा 0 इंटू माइनस का साइन वाई होगा 0 इंटू कॉस वाई होगा 1 इंटू 0 होगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 इंटू 0 0 हो गया 0 इंटू 0 0 हो गया प्लस 1 इंटू 0 1 इंटू 1 0। अब टिके थोड़ा सा ही है आपके पास समझ पा रहे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है ये आ गया आपके पास इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए आगे अब हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इनको तो देखिए सिंप्लीफाई जब करेंगे हम इनको तो आएगा क्या हमारे पास ये आ जाएगा cos x cos y माइनस sin x sin y। इधर क्या इसमें से अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा sin x cos y प्लस cos x sin y बट हमने माइनस साइन को कॉमन ले लिया तो माइनस कॉमन ले लिया sin x cos y प्लस cos x sin y माइनस हमने कॉमन ले लिया cos x into 0 0 हो जाएगा sin x into 0 0 हो जाएगा 0 into 1 0 हो जाएगा दैट इज ये आ गया ठीक आगे sin x cos y प्लस cos x sin y ये 0 है इधर क्या होगा cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई और ये 0 0 0 हो जाएगा ना शायद सब कुछ आ रहा होगा कोई दिक्कत नहीं है उसमें हाँ ठीक है ये आपको होंगे। अब देखिए 0 इंटू कॉस बाई 0 0 इंटू साइन बाई 0 1 इंटू 0 0 हो गया 0 इंटू माइनस साइन बाई 0 0 इंटू कॉस बाई 0 और 1 इंटू 0 0 आ गया 0 और फिर ये आ गया आपके पास बाहर थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर लेते हैं सिंप्लीफाई कर लेते हैं अच्छे से देखो अब क्या है ये आएगा क्या ये आपका आएगा cos x cos a cos b माइनस sin a sin b cos x cos y माइनस sin x sin y क्या होगा cos x प्लस 5 होगा आपका cos of x plus y हो गया माइनस साइन को कॉमन ले लिया हमने माइनस हमने कॉमन ले लिया तो माइनस जब आप कॉमन लोगे क्या आएगा साइन cos b प्लस cos a sin b sin a प्लस b आएगा बट माइनस का तो इसमें आ जाएगा माइनस का साइन ऑफ x प्लस y आ गया बोलो जीरो है ये अरे है कि नहीं देखो आगे साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी होता है तो ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी होता है नहीं कॉस एक्स प्लस वाई आ गया जीरो और ये जीरो फिर जीरो वन हो गया। एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम क्या थी है ना ये सब और ये किसके इक्वल है अब अगर हम इसको डिफाइन करें भाई हमारे पास एफ एक्स एफ वाई एफ एक्स ये था एफ एक्स एफ एक्स प्लस वाई का मतलब क्या हुआ जो भी यहाँ पे आएगा उसकी जगह एंगल एक्स प्लस वाई हो जाएगा तो ये एक्स प्लस वाई है एक्स प्लस वाई है एक्स प्लस वाई है एक्स प्लस वाई है ना तो ये हो गया एफ एक्स प्लस वाई आपके पास ये हो गया भाई हमारे पास जो क्वेश्चन था वो यही तो था आपका एफ एक्स इज इक्वल क्वेश्चन आपके पास था
कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो 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 वन। फिर कह रहे हैं कि एफ एक्स ये और एफ वाई हमारा ये, तो आपको ये शो करना है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई एफ एक्स प्लस वाई आ जाए। हमने एफ एक्स ये ले लिया, एफ वाई आपका ये है, दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया लास्ट में। अब एक्चुअली एक्स क्या है, यहाँ पर जो होगा वो यहाँ पर होगा, ये एक्स था एक्स एंगल हो गया, यहाँ वाई था ये वाई हो गया। अगर एक्स प्लस वाई का मतलब क्या है, एफ एक्स प्लस वाई ये भी आएगा जब अंदर उसका एंगल एक्स प्लस वाई आ जाएगा, तो हमारे सारे एंगल एक्स प्लस वाई में आ रहे हैं, हमारे सारे एंगल x प्लस वाई में आ रहे हैं, इसलिए हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहे हैं, फोर्टीन बेटा आपसे ये कह रहे थे, फोर्टीन कह रहे हैं आपसे, सो दैट, सो करना है, सो दैट अब क्या सो करना है, इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो कह रहे हैं फाइव माइनस वन सिक्स से वन टू वन थ्री फोर इज नॉट इक्वल टू टू वन थ्री फोर फाइव माइनस वन। ठीक है, पहली बात तो ये प्रॉपर्टी होती है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है, फिर भी अगर एक मैट्रिक्स ये देखे एग्जांपल बताना चाह रहे हैं आपको समझाना चाह रहे हैं, तो हम जरा इस पर बात कर लेते हैं और देख लेते हैं। एल एच एस आर एच एस का युक्ल नहीं होगा, अगर हम इसे ए मान लेते हैं इसको बी मान लेते हैं तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है, ये कहलवाना चाह रहे हैं आपसे, चूँकि प्रॉपर्टीज में हमने आपको लिखा दिया है, फिर भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। हम इसको एल एच एस मान लेते हैं बेटा, एल एच एस ये हो गया आपको, ये हो क्या गया फाइव माइनस वन सिक्स सेवन और ये टू वन थ्री फोर हो गया, क्योंकि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन की बात करें तो रो वाई कॉलम होता है आपको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फाइव इंटू टू प्लस माइनस वन इंटू थ्री, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम होगा फाइव इंटू वन प्लस माइनस वन इंटू फोर होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया सिक्स इंटू टू होगा प्लस सेवन इंटू थ्री होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम सिक्स इंटू वन होगा प्लस सेवन इंटू फोर होगा, ये आपका थोड़ा सा हम इसे सॉल्व कर लेते हैं बेटा, फाइव टू जा टेन और टेन माइनस का थ्री सेवन, थोड़ा डायरेक्टली कर लेते हैं, फाइव वन जा फाइव माइनस फोर दैट इज वन, सिक्स टू जा ट्वेल्व और सेवेंटी सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन यानी ट्वेल्व ट्वेंटी वन थर्टी थ्री आ जाएगा, सिक्स वन जा सिक्स और सेवन फोर जा ट्वेंटी एट और सिक्स थर्टी फोर आ गया, ये आपका एल एच एस आ गया, ये आपका एल एच एस आ गया। अब हम आर एच एस पे बात कर लेते हैं, नाउ वी टेक आर एच एस, ये क्या है बेटा टू वन थ्री फोर फाइव माइनस वन सिक्स सेवन, ये भी दोनों के दोनों टू बाई टू की मैट्रिक्स हैं। अब हमें दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है रो बाई कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम टू इंटू फाइव प्लस वन इंटू सिक्स, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम टू इंटू माइनस वन प्लस वन इंटू सेवन, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम थ्री इंटू फाइव प्लस फोर इंटू सिक्स, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम थ्री इंटू माइनस वन प्लस फोर इंटू सेवन, टू फाइव डे टेन, टेन और सिक्स सिक्सटीन हो गया, माइनस टू प्लस का सेवन, माइनस टू प्लस का सेवन दैट इज ये फाइव हो गया, फाइव थ्री या फिफ्टीन, सिक्स फोर जो ट्वेंटी वन यानी सिक्स फोर जो ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर और फिफ्टीन
24 और 5 29 और 10 39 हो गया, माइनस 3 प्लस का 28 दैट इज 25 आ गया। LHS ये है, RHS ये है, क्या ये दोनों आपस में सेम है भाई? क्या ये दोनों आपस में दोनों की वैल्यू दोनों मैट्रिक्स आपकी सेम आ रही हैं? नहीं आ रही हैं, तो इसलिए लिख देंगे हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड, ये चूंकि 3x3 की मैट्रिक्स है थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा बाद में, है कुछ भी नहीं सब सेम रहेगा। 1 2 3 0 1 0 1 1 0 और दूसरी मैट्रिक्स जो है -1 1 0 0 -1 and 1 2 3 4 is not equal to -1 1 0 -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 1 2 3 0 1 0 1 1 0 ये है आपके पास, ये है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सेकंड पार्ट है उस पर हम बात कर रहे हैं अभी। अब चलिए देखिए हम क्वेश्चन नंबर 14 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके बोर्ड पे, अब ये कह रहा है कि इसको भी जरा आप शो करो कि ये इसके इक्वल नहीं है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है। तो हम LHS, ये हमने LHS मान लिया, ये आपका RHS मान लिया, तो हमने सबसे पहले हम LHS पे काम कर लेते हैं। LHS है क्या आपके पास? 1 2 3 0 1 0 1 1 0 ये आपके पास हो गया, तो ये -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 ये आपके पास। अब मल्टीप्लाई करना है, ये भी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये भी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, प्रोसीजर वही है रो बाई कॉलम का। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 -1 दैट इज -1 हो गया, 2 0 ठीक है। थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करना चाह रहा था क्योंकि इस पर काम हो गया शायद, तो चलिए एक बार और थोड़ा 1 -1 प्लस का 2 0 प्लस का 3 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम होगा 1 1 2 -1 प्लस 3 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 0 2 1 3 4 किया। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 -1 प्लस का 1 0 0 2 0 1 प्लस का 1 -1 प्लस का 0 3 0 0 प्लस का 1 1 प्लस का 0 4 1 -1 प्लस का 1 0 प्लस का 0 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 1 प्लस का 1 -1 प्लस का 0 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 0 1 1
जीरो इंटू फोर ये आपका, अब ये है आपका, थोड़ा हम इसे सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। वन इंटू माइनस वन आ जाएगा, प्लस टू इंटू जीरो जीरो आ जाएगा, प्लस का ये हो गया सिक्स। अगला वन माइनस टू प्लस नाइन जीरो प्लस टू प्लस ट्वेल्व, जीरो इंटू माइनस वन जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, जीरो इंटू वन जीरो माइनस वन प्लस जीरो जीरो प्लस वन प्लस जीरो माइनस वन प्लस जीरो प्लस जीरो वन माइनस वन प्लस जीरो जीरो प्लस वन प्लस जीरो ये आ गया। थोड़ा सा इसे और देख लेते हैं भाई, तो आ जाएगा माइनस वन प्लस सिक्स फाइव हो गया, नाइन और टेन माइनस टू एट हो गया, ये फोर्टीन आपके पास हो गया। जीरो माइनस वन वन माइनस वन जीरो वन ये है आपके पास। एलएचएस हमने सॉल्व किया तो एलएचएस की वैल्यू ये आ गई। अब हम आरएचएस को सॉल्व कर लेते हैं, ये तो आपका एलएचएस, अब हम इसे सॉल्व करेंगे इसको नाउ बीटेक आरएचएस। तो आरएचएस जब आपने सॉल्व कर लिया तो क्या आ रहा है, माइनस वन वन जीरो जीरो माइनस वन वन टू थ्री फोर वन टू थ्री जीरो वन जीरो वन वन जीरो ठीक। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो हो जाएगा फर्स्ट कॉलम माइनस वन इंटू वन प्लस वन इंटू जीरो प्लस जीरो इंटू वन ठीक है। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम माइनस वन इंटू टू प्लस वन इंटू वन प्लस जीरो इंटू वन। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम माइनस वन इंटू थ्री वन इंटू जीरो जीरो इंटू जीरो। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम जीरो इंटू वन माइनस वन इंटू जीरो वन इंटू वन, जीरो इंटू टू माइनस वन इंटू वन वन इंटू वन। सेकेंड रो थर्ड कॉलम जीरो इंटू थ्री माइनस वन इंटू जीरो प्लस वन इंटू जीरो दैट इज जीरो। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम टू इंटू वन थ्री इंटू जीरो फोर इंटू वन। थर्ड रो सेकेंड कॉलम टू इंटू टू थ्री इंटू वन। सेकेंड रो सेकेंड टू इंटू टू थ्री इंटू वन फोर इंटू वन। सेकेंड रो थर्ड कॉलम टू इंटू थ्री थ्री इंटू जीरो प्लस फोर इंटू जीरो ये आपके पास होगा। आप थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए कैलकुलेशन आप देखते रहिएगा, हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, हो सकता वाली बात है, इसे थोड़ा सा आप देख लेना है ना। तो देखिए ये होगा क्या, माइनस वन इंटू वन माइनस वन हो गया प्लस जीरो प्लस जीरो, माइनस टू प्लस वन प्लस जीरो, माइनस टू प्लस वन प्लस जीरो, माइनस थ्री प्लस जीरो प्लस जीरो, माइनस थ्री प्लस जीरो प्लस जीरो, जीरो जीरो वन, जीरो माइनस जीरो प्लस वन
जीरो माइनस वन प्लस वन, जीरो माइनस वन प्लस वन, जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो, जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो, टू प्लस जीरो प्लस फोर, टू टू जा फोर प्लस थ्री प्लस फोर, टू थ्री जा सिक्स प्लस जीरो प्लस जीरो। माइनस वन प्लस जीरो प्लस जीरो दैट इज माइनस वन हो गया, ये माइनस वन हो गया, माइनस थ्री हो गया, वन हो गया, जीरो आ जाएगा, जीरो सिक्स फोर, फोर थ्री सेवन, फोर एलेवन, और ये आ गया सिक्स। अब ये हो गया आरएचएस आपका। तो क्या हमें केवल ये देखना है क्या एलएचएस और आरएचएस की वैल्यू इक्वल आ गई? ये एलएचएस हमने ले लिया था, ये आपने आरएचएस ले लिया, एक साइड का एलएचएस ले लिया आपने, एक साइड का आरएचएस ले लिया। तो क्या हमारे पास एलएचएस आरएचएस की वैल्यू इक्वल आ रही है? क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये एलएचएस था आपके पास, क्या ये और ये आपस में इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा है, इसलिए आपका वेरीफाइड हो गया। क्यों? क्योंकि एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस है भाई, यही तुम कहना चाह रहे हैं ना? तो आप देखेंगे हैंस वेरीफाइड एलएचएस इज नॉट इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 15 पे बात कर लेते हैं। ये लिखा है फाइंड फाइंड ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 6i, ठीक है। इफ a इज इक्वल 201, ये मैट्रिक्स है आपके पास, 213 ये है, और 1 माइनस 1 j ये। तो हमें ये फाइंड आउट करना है, देखिए देखिए, फाइंड ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस का सिक्स आई इफ ए इज इक्वल टू जीरो वन टू वन थ्री वन माइनस वन जीरो, दैट इज ये जो आपकी मैट्रिक्स है वो थ्री बाई थ्री ऑर्डर की है। तो इस पर मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। तो ये तो ए हो गया, हम सबसे पहले बेटा इसमें ए स्क्वायर है, तो हम ए स्क्वायर सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए तो ए स्क्वायर मीन्स ये हो गया ए इंटू ए भाई, ए स्क्वायर मीन्स ये हो गया, ये हो गया ए इंटू ए इज इक्वल, ए मीन्स क्या, ये मैट्रिक्स है आपके पास 201 213 1 माइनस 1 0, और फिर भी यही है 201, इसी मैट्रिक्स का इसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो रहा है 213 1 माइनस 1 0। अब हम इनका मल्टीप्लाई ही करेंगे, तो आपको पता है रो बाई कॉलम आएगा, जो प्रोसीजर पहले हुई तो आएगा आपका रो बाई कॉलम आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 2 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब थोड़ा सा हम डायरेक्टली करते हैं क्योंकि उधर स्पेस कम है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 0 0 हो गया प्लस 0 इंटू 1 0 हो गया प्लस 1 इंटू माइनस 1 ये माइनस का 1 हो गया भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये वाला हो गया, और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेंगे तो 2 इंटू 0 ये वाला हो गया, 0 इंटू 1 ये हो गया, 1 into minus 1 ये आ जाएगा। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम लेंगे 2 into 1 दैट इज 2 हो जाएगा, 0 into 3 0 हो जाएगा, 1 into 0 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ये हो गया फर्स्ट कॉलम ये हो गया, 2 into 2 4 हो गया प्लस का 1 into 2 2 हो गया, और 3 into 1 3 हो गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम करेंगे 2 into 0 0 हो गया, 1 into 1 1 हो गया, और 3 into minus 1 minus का 3 हो गया। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 into 1 2 हो गया, 1 into 3 3 हो गया, 3 into 0 0 हो गया। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम लेंगे 1 into 2 2 हो गया, minus 1 into 2 minus 2 हो गया, 0 into 1 0 हो गया। थर्ड रो सेकेंड कॉलम लेंगे, थर्ड रो सेकंड कॉलम पे बात करेंगे, 1 इंटू 0 0 हो गया, माइनस 1 इंटू 1 माइनस का 1 हो गया, 0 इंटू माइनस 1 0 हो जाएगा माइनस का। थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 1 1 हो गया, माइनस 1 इंटू 3 माइनस का 3 हो गया, 0 इंटू 0 0 हो गया, ये आपके पास आ गया। अब क्या करते हैं, अब इस जो 3 बाई 3 ऑर्डर की जो हमारे पास मैट्रिक्स आई है इसे थोड़ा हम सिंपलीफाई कर लेते हैं। देखिए ए स्क्वायर आएगा क्या, 2 2 2 या 4 ऐसा कर लेते हैं, ऐसे 2 2 या 4
0 1 4 1 5 हो गया आपका, 0 + 0 + -1 दैट इज -1 हो गया, 2 + 0 + 0 ये आपके पास 2 आ गया, 4 2 6 3 9 हो गया, 1 -3 - 2 हो जाएगा, 2 + 3 ये आपके पास 5 हो गया, 2 - 2 0 हो गया और ये -1 हो गया, और 1 - 3 ये -2 हो गया, ये आपके पास ए स्क्वायर आ गया। अब ये ए स्क्वायर आ गया, हमारी इक्वेशन क्या है बेटा, ए स्क्वायर -5a + 6i। नाउ हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ए स्क्वायर -5a + 6i, हम सबकी बेटा वैल्यू इसमें डाल देते हैं। ए स्क्वायर क्या है आपके पास, ए स्क्वायर ये है, दैट इज दिस 5 - 1 - 2 9 - 2 - 5 और 0 - 1 - 2 ये ए स्क्वायर हो गया, -5 * a तो -5 और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू आपको दी गई थी ये वाली 201 हो गया, 213 हो गया और 1 - 1 0 हो गया, ए स्क्वायर -5a + 6i + 6 ये हो गया और 3/3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेंगे 0 1 0 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते हो डायगोनली के सारे एलिमेंट 1 होते हैं, बाद बाकी ऊपर नीचे के सारे एलिमेंट 0 आपके होते हैं। अब इसे हमें सॉल्व करना है, हमने आपको बताया था किसी भी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ईच एंड एवरी एलिमेंट में इसका मल्टीप्लाई होता है, इट मीन्स थोड़ा सा ऐसे हम सॉल्व कर लेते हैं आगे। देखिए 5 - 1 - 2 9 - 2 - 5 0 - 1 - 2 हो गया माइनस, अब इस 5 का मल्टीप्लाई सब में होगा, इसमें भी 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 होगा, तो 5 2 10 ओनली 5 0 5 2 10 0 5 5 हो गया, 5 2 10 5 5 = 5 है, 5 3 = 15 है, 5 5 = 5 हो गया, -5 हो गया, 0 हो गया, प्लस का 6 का मल्टीप्लाई करेंगे सब में व्हाट ये आ गई है 6 0 0 0 6 0 0 0 6 ये आपके पास आ गया। अब देखिए ये प्लस माइनस और प्लस करस्पॉन्डिंग जो भी हमारा ऑपरेशन होगा बेटा वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ही होगा, जो भी हमारा ऑपरेशन होगा वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ होगा। तो आप क्या करेंगे अगली वाली जो मैट्रिक्स पे जो इसकी वैल्यू की बात करेंगे बेटा 5 - 10 क्योंकि यहाँ माइनस है 5 - 10 + 6 यही है ना भाई, ये अगर वहां पे ना करना चाहो तो आप यहाँ कर लो, ये देख लो 5 - 10 + का ये 6 हो गया, 5 - 10 + का 6 हो गया, -1 - 0 + 0 - 1 - 0 + 0 2 - 5 + 0 2 - 5 + 0 आगे देखो 9 - 10 + 0 9 - 10 + 0 हो गया, -2 - 5 + 6 -2 - 5 + 6 हो गया भाई, -2 - 5 + 6 हो गया। अब क्या करेंगे 5 - 15 + 0 हो गया, 5 - 15 + 0 हो गया, 0 - 5 + 0 0 - 5 + 0 हो गया, -1 - -1 + 5 + 0 -1 + 5 + 0 हो गया, -2 - 0 + 6 हो गया, -2 - 0 + 6 हो गया, ये कंडीशन है आपके पास। देखिए 5 और 6 11 11 - 10 1 हो गया, -1 हो गया, 2 - 5 - 3 हो गया, 9 - 10 - 1 हो गया, अब -2 - 5 - 7 - 7 और 6 आपका -1 आ जाएगा, 5 - 15 - ये 10 हो गया, -5 और ये आपका 4 आ जाएगा और ये बेटा 4 आ जाएगा। आई थिंक दिस इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर -5a +
सिक्स आई, ये ही इसकी वैल्यू आ गई, वन माइनस वन। तो ये जो वैल्यू आपकी आई है यही आपका आंसर हो गया, और ये यही इस इक्वेशन की वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सिक्स आई। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए, आगे बात करें। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 16 पे बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है इफ ए इज इक्वल 102 102 02 03, ये आपके पास हो गया। और फिर कह रहे हैं प्रूव दैट, ये प्रूव दैट ए क्यू माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस सेवन ए प्लस का टू आई इज इक्वल जीरो। इसमें आपको प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू जीरो होगी, ये बोल कह रहे हैं, इसमें ये कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू जीरो होगी। ए की वैल्यू दी गई है तो प्रूव करना है कि ए क्यू माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस सेवन ए प्लस का टू आई एल एच एस है। इतना सब कर भाई, पहले आप ए की जगह ए स्क्वायर आप निकालोगे, ए स्क्वायर के बाद ए क्यूब आप निकालोगे, और इतना सब कुछ करने के बाद इसमें वैल्यू रखोगे एल एच एस में, सॉल्व करोगे, जीरो आना चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है बट हम करेंगे तो है। चलिए ए हमारे पास दिया गया है, सबसे पहले फिर हम ए स्क्वायर पर बात कर लेंगे। ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर बेटा होगा क्या, ए टू ए होगा, इसका मतलब क्या हो गया, 102 हो गया, 021 हो गया, 203 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 102 हो गया, 021 हो गया और 203 हो गया। ये अब मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए थोड़ा सा काफ़ी अपन लोगों ने काम कर लिया है तो अब बहुत ज़्यादा बोलेंगे बट हम लिखेंगे थोड़ा शॉर्ट में, है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बेटा, 1 × 1 1 हो गया, 0 × 0 0 हो गया, 2 × 2 ये 4 हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 0 0 हो गया, 0 × 2 0 हो गया, 2 × 0 0 हो गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 × 2 2 हो गया, 0 × 1 0 हो गया, 2 × 3 6 हो गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हो गया। अब हम बात करेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो 0 × 1 0 हो गया, 2 × 0 0 हो गया, 1 × 2 2 हो गया, 0 × 0 0 हो गया, 2 × 2 4 हो गया, 2 × 0 0 हो गया, 0 × 2 0 हो गया, 2 × 1 2 हो गया, 1 × 3 3 हो गया। यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इस पर हमने बात कर लिया। आगे अब आपका रह गया थर्ड रो, तो थर्ड रो का ऑपरेशन करेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो सेकेंड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो 2 × 1 2 हो गया, 0 × 0 0 हो गया, 3 × 2 6 हो गया, 2 × 0 0 हो गया, 0 × 2 0 हो गया, 3 × 0 0 हो गया, 2 × 2 4 हो गया, 0 × 1 0 हो गया, 3 × 3 9 हो गया। यह थोड़ा हम इसे और सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर देखिए 4 1 5 0 8 2 4 5 8 0 13 हो गया, ये हो गया आपके पास ए स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए भाई, हमारे पास ए भी हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो होगी होगी, 3×3 ऑर्डर की होगी, जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स दी गई होती है, जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स दी गई होती है उसी ऑर्डर की हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ले लेते हैं। तो हमारे पास आई तो है ही ए है, ए स्क्वायर है बट ए क्यूब नहीं है। अब हमें ए क्यूब फाइंड आउट करना है, तो बेटा ए क्यूब जब हम फाइंड आउट करेंगे तो कैसे होगा, ए क्यूब देखो5 0 8 5 0 8 2 4 5
8013। अब ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू दी गई है 102, 021, 203। ये ए स्क्वायर है, ये ए है, मैं क्यों फाइंड आउट करना है। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम थोड़ा शॉर्ट करें क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन काफी बार हो गया इसलिए आपको आ रहा होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 × 1 5 हो गया, 0 × 0 0 हो गया, 8 × 2 16 हो गया। चलिए तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 × 1 5 हो गया, 0 × 0 0 हो गया, 8 × 2 16 हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 × 0 5 × 0 0 होगा, 0 × 2 0 होगा और 8 × 0 0 होगा, है ना। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5 × 2 ये 10 हो गया, 0 × 1 0 हो गया, 8 × 3 24 हो गया। अब क्या करेंगे हम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इन पे काम करना। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 × 1 ये 2 हो गया, 4 × 0 0 हो गया, ये क्या 5 था क्या, और 5 × 2 ये 10 हो गया, 2 × 0 0 हो गया, 4 × 2 8 हो गया, 5 × 0 0 हो गया, 2 × 2 4 हो गया, 4 × 1 4 हो गया, 5 × 3 15 हो गया, ठीक। 8 × 1 8 हो गया, 0 × 0 0 हो गया, 13 × 2 26 हो गया, 8 × 0 0 हो गया, 0 × 2 0 हो गया, 13 × 0 0 हो गया, 8 × 2 16 हो गया, 0 × 1 0 हो गया, और 13 × 3 39। इन्हें हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं और ज़्यादा। तो भैया जब इसको भी और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो 16 × 5 = 21 ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 34, ये आ जाएगा 2 × 10 और 2 × 12 ये 8 हो गया, ये 8 और 15 23 हो गया, 26 और 8 34 हो गया, ये 34 हो गया बेटा, 0 हो गया, 39 और 6 45 प्लस का 55 हो गया। आई थिंक ए क्यूब आपका यही आएगा। अगर हमारी कैलकुलेशन थे अगर हमारी कैलकुलेशन ठीक है और सही है तो ए क्यूब हमारा यही आएगा। अब ये क्या करते हैं, अब हमारे पास ए क्यूब भी आ गया, हमें ये अब लेना है LHS, भाई प्रूफ करवा रहा है। अगर हम LHS में सारी वैल्यू डाल दें और RHS की जीरो की वैल्यू आ जाए तो हमारा जीरो हो जाएगा, तो नाउ वी टेक LHS। अब आपका LHS है क्या, LHS आपके पास कह रहे हैं ए क्यूब -6 ए स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस का 2 i हो गया, इसमें हमें काम करना है। तो ए क्यूब की वैल्यू क्या है, ये है ए क्यूब, ये है क्या है 21 0 34 12 8 23 34 0 55 ये हो गया, माइनस का 6 × a² ए स्क्वायर मीन्स ये ए स्क्वायर की वैल्यू है 508 208 245 और ये 8013 हो गया, प्लस 7a तो 7 और a की वैल्यू क्या है 102 भाई 021 203 ये हो गया, और क्या करवा रहे हैं 2i यानी कि 2
और 3/3 ऑर्डर की एंटी मैट्रिक्स 001 होगा। इन्हें हमें सॉल्व करना है। इस हमारी मैट्रिक्स इक्वेशन को हमें अब सॉल्व करना है। चलिए देखिए, चलिए 21, 0, 34, 12, 8, 23, 34, 0, 55 ये हो गया माइनस का, और 6 के ईच एंड एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो क्या आ जाएगा ये 30, 0, 48, 12, 24, 30, 48, 0 और 78 आ जाएगा। प्लस का 7 का मल्टीप्लाई होगा 7, 0, 14, 0, 14, 7, 14, 0, 21 हो गया। और प्लस का ये आ जाएगा 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, ये आपको आ जाएगा। अब क्या करना है बेटा, अब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पे हमें काम करना है। देखिए इसमें मैट्रिक्स का दो से ज्यादा मैट्रिक्स हैं, इन पे काम करना है। देखिए अब क्या काम करेंगे, 21 - 30 + 7 + 2 ऊपर हम कर लेंगे काम, नीचे स्पेस कम है ऊपर आ जाएगा अभी तो 20। अब देखिए ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, बट ये माइनस है, तो अब करेस्पॉन्डिंग ऑपरेशन हमेशा करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ही होगा। यानी कि इस मैट्रिक्स में A11 ये, इसमें A11 ये, इसमें A11 ये, इसमें भी A11 आपका ये है। तो करेंगे क्या, 21 - 30 + 7 + 2 आगे क्या होगा, 0 - 0 + 0 + 0 किसी भी हम एलिमेंट में ऑपरेशन करेंगे उससे करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट पे ही ऑपरेशन करेंगे। ऐसा नहीं कि पहली मैट्रिक्स का A11 ले लिया, दूसरी का A12 ले लिया, नहीं, अगर इसका A11 लेंगे तो इसका भी A11, तो जो कि आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में कर चुके हो, तो थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं। अब देखिए भाई देखिए 21 माइनस का 30 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 7 ये केवल इस पे हमारा काम हुआ है। अब क्या कहेंगे, 0 - 0 + 0 + 0 यानी कि 0 - 0 + 0 और + 0 of 34 - 48 - 14 + 0 + 0 ठीक, फिर लिखेंगे 12 - 12 - 12 + 0 + 0 + 0 + 0 8 - 8 - 24 - 24 + 14 + 2 + 14 + 2 आगे 23 - 23 - 30 - 30 + 7 + 7 और प्लस का 0 आ जाएगा। 34 - 48 - 34 - 48 + 14 + 0 + 14 + 0 0 - 0 - 0 - 0 + 0 + 0 + 0 + 0 55 - 78 + 21 + 2 + 21 ये आपका आ गया। अब देखिए तो अब देखिए 21 - 7 - 9 - 9 और 21 - 30 - 30 - 30 0 हो गया।
जीरो हाई है। 34 और 14, 48 हो गया, 48 माइनस 48 जीरो हो जाएगा, 12 माइनस 12 जीरो हो गया, 14 और 2 16, 16 और 8 24, 24 माइनस 24 जीरो हो गया, 23 और 7 ये क्या हो गया 30, 30 माइनस का 30 जीरो हो गया, 34 और 14 48 हो गया, 48 माइनस 48 जीरो हो गया, जीरो हो गया, 55 21 और 2 20 हो गया, 23rd और 55 ये 78 होगा, 78 माइनस 78 जीरो। तो ये आपने LHS आपने लिया था ये वाला ए क्यू माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस का 2i, भाई LHS यही तो था आपका। हमारा जो LHS था वो यही तो था ना, LHS हमारे पास यही था, ए क्यू माइनस का 6 ए स्क्वायर प्लस का 7 ए प्लस का 2i, इस पर हमने काम किया, उसके बाद इसकी वैल्यू जीरो आ गई। वो कह रहा था कि इसे प्रूफ करो कि ये जीरो आएगा RHS आ गया, तो आप क्या लिखेंगे Hence, तो भाई हमारे पास ए दिया गया था, हमने ए स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया, ए क्यू फाइंड आउट कर लिया, फिर हमने इसमें वैल्यू डाल दी ए क्यू माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस का 2i में, आफ्टर कैलकुलेशन वी हैव जीरो मैट्रिक्स, जीरो 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 आ गया। बेटा क्वेश्चन नंबर 17 पे बात कर लेते हैं इसके बाद, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपके बोर्ड पे देखिए 17। चलिए 17 क्वेश्चन, बेटा 17 वाले बोल रहे हैं इफ ए इज इक्वल 3 माइनस 2 4 माइनस 2 एंड आई इज इक्वल एंटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, तो करेंगे फाइंड के सो व्हाट मीन सो दैट क्या ए स्क्वायर इज इक्वल के ए माइनस का 2i, अब इस इक्वेशन में को वेरीफाई करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले a दिया गया बेटा, हमें ए स्क्वायर की नीड पड़ेगी, तो हमने a फाइंड आउट कर लेते हैं, ए स्क्वायर मीन्स क्या होगा a इंटू ए होगा, 3 माइनस 2 4 माइनस 2 हो गया, और फिर इसमें 3 माइनस 2 4 माइनस 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 3 प्लस माइनस 2 माइनस 2 इंटू 4 हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू माइनस 2 प्लस का माइनस 2 इंटू माइनस 2 4 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू 4 प्लस माइनस 2 इंटू 4 4 इंटू माइनस 2 माइनस 2 इंटू माइनस 2 देखिए ए स्क्वायर आया गया 9 माइनस 8 माइनस 6 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 और प्लस का 4 आ जाएगा, ये हो गया आपके पास 12 माइनस 8 माइनस 8 और प्लस का 4 हो गया, 9 माइनस 8 1 माइनस 6 प्लस 4 माइनस का 2 12 माइनस 8 4 माइनस 8 प्लस का 4 माइनस का 4 ये आपके पास आ गया। ए स्क्वायर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि इसने इफ ए स्क्वायर इज इक्वल के ए माइनस टू आई, तो इसमें वैल्यू डाल देते हैं, ए स्क्वायर की वैल्यू यही आई 1 माइनस 2 4 माइनस 2। भाई हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही तो काम करेंगे, भाई ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास जो आई है वो यही आई, अब इज इक्वल के और ए की वैल्यू क्या है हमें दी गई है,
थ्री माइनस टू, फोर माइनस टू, माइनस टू आई मतलब टू बाई टू की हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। अब हमें करना क्या है बेटा, वाले साइड देख लेते हैं, वन माइनस टू, फोर माइनस टू, थ्री के माइनस टू के, फोर के माइनस टू के, और माइनस का टू जीरो जीरो, ये आ गया। इट मीन्स वन माइनस टू, फोर माइनस टू, ये हो जाएगा थ्री के माइनस टू, माइनस टू के माइनस जीरो, दैट इज नो प्रॉब्लम। फोर के माइनस जीरो मतलब फोर के हो गया, माइनस टू के और माइनस टू, ये आ जाएगा। हम बेटा कंपेरिंग कर लेते हैं, कंपेरिंग तो इसके इससे कर लेते हैं, आके आ गया थ्री के माइनस टू इक्वल टू वन आ गया, थ्री के इक्वल टू वन प्लस का टू इज इक्वल थ्री हो गया, थ्री के इज इक्वल थ्री, तो के की वैल्यू वन आ गया, ये हमारे पास साफ आ रहा है क्या, ये आपके पास हो गया भाई। किसी से भी हम देख लेते हैं, इससे हम देख लेंगे तब भी आंसर यही ही आएगा, माइनस टू इक्वल टू माइनस टू के हो गया, के से के कैंसिल, टू के इक्वल टू टू हो गया तो के की वैल्यू वन हो गई, फोर के इक्वल टू फोर हो गया तो के की वैल्यू वन हो गई। इट मीन्स ओवरऑल आप देखेंगे तो के की वैल्यू बनी आएगी, वही आपसे कह रहा था। देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक आपके हो गए इस लेक्चर में, अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 18 से कुछ पोर्शन अभी बाकी है, अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 18 से काम करेंगे, तब तक आप इसे कंटिन्यू रखें। आज के लिए बस इतना, थैंक यू।